is Sayyed Muhammad Hassanada from mathymath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 1.2. The statement of this question is 2p plus q whole cube. यानी इसको अब हमने सारे का क्यूब लेना है. सबसे पहले तो हमें a plus b whole cube का फार्मूला बताना चाहिए. तो हमारे पास ये फार्मूला ऐसे है कि a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास a, ये हमारे पास q जो है ये b है और ये सारे का क्यूब लेना है. तो इसका फार्मूला कुछ ये है कि a plus b सारे का क्यूब is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. जस्ट इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट अप कर लेते हैं. a हमारे पास है 2p, तो 2p का क्यूब आ जाएगा a का क्यूब है, प्लस 3a, 3a, a 2p है, ये आ गया, इंटू बी, बी हमारे पास है क्यू, इंटू ए प्लस बी, तो 2p प्लस क्यू आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास b का क्यूब यानी q का क्यूब आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये 2 का क्यूब जो होता है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 पी क्यूब प्लस 2 इंटू 3 6 पी क्यूब, ये 6 पी क्यूब इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस क्यूब, ये इसी तरह से साथ आएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास q का क्यूब आ जाएगा. ये 8 पी क्यूब अब 6 पी क्यू को ये हमारे पास 3 इंटू 2 6 पी क्यू आ जाएगा. ये 6 पी क्यू को हम यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 6 पी क्यू जब 2 पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 पी पी के साथ मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर क्यू प्लस यहाँ पे यही 6 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का क्यूब आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ्स.